बड़ी खबर का जोधपुर से बड़ी खबर है। बजरी व्यापारी के कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, जयपुर आईटी की स्पेशल टीम की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। बजरी व्यापारी मुफतलाल राव के ठिकानों पर रेड पड़ी है। वारह इंफ्रा लिमिटेड फॉर्म के संचालक के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट में पुल सड़क बनाने का काम किया गया था और अनियमितताओं को लेकर इनकम टैक्स की ओर से स्पेशल टीम कई अलग अलग ठिकानों पर पहुंची हुई है, जहां पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बजरी व्यापारी के कई ठिकानों पर रेड की सूचना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जोधपुर से। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर कई अलग अलग ठिकानों पर रेड पड़ी हुई है। बड़ी संख्या में आईटी की स्पेशल टीम पहुंची है और सहयोगी चंद्रशेखर व्यास इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कहां कहां पर रेड पड़ी है और कितनी संख्या में टीम वहां पर? देखिए प्रियंका, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि यह जो रेड पड़ी है ये जोधपुर के जालम विलास क्षेत्र में रहने वाले मुफतलाल राव के घर पे पड़ी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी जो वराह इंफ्रा लिमिटेड है उसके जो है संचालक है। और ये जो है पुल बनाने और सड़क बनाने सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी काम को करते हैं। और यहाँ पर जो जयपुर की एक स्पेशल आईटी विभाग की टीम की जो टीम है वो पहुंची और लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस दौरान जो जोधपुर पुलिस है वो भी सहयोग में इनके साथ है और लगातार यहाँ पर जो है सर्वे किया जा रहा है और जो जरूरी दस्तावेज है उन्हें खंगाला जा रहा है। जिस तरह से जो ये माना जा रहा है कि बड़ा जो है अघोषित आय जो है शाम तक यहां पर या जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद सामने आने की संभावना है। हमारे साथ जो हमारे रंजन जी दवे हैं, सर किस तरह की कार्रवाई है, क्या सूचना? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके तहत बीती शाम यहाँ टीम आ चुकी थी और उसके बाद आज सुबह यहाँ पहुंची है टीम। और जिस तरीके से आपने बताया, साथी कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो उसको दिखाने की कोशिश करे। देखिए, बिल्डिंग पर भी लिखा हुआ है VIL यानी कि वराह इंफ्रा लिमिटेड करके एक फर्म है। और जो तीन इसके निदेशक के रूप में जो नाम सामने आए हैं उसमें मुफत सिंह राव है, प्रेम सिंह राव है और जगदेव सिंह राव जो है वे इसके निदेशक हैं। और जैसा आपने पहले बताया था कि ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सारे काम करती है, जिसमें कि पुल निर्माण है या बड़े बड़े अंडरब्रिज और रोड से जुड़े जो काम है वो सारे काम में है। और जानकारी ये भी आई है कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी कंपनी की भागीदारी है, कंपनी का निर्माण कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। तो सड़क निर्माण, पुल निर्माण और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो इस कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब टीम इनकम टैक्स की यहाँ पहुंची है तो इससे पहले भी उन्होंने कार्रवाई को लेकर के कुछ होमवर्क किया होगा और उसके बाद में कुछ इनपुट्स मिले होंगे, उसके आधार पर यहाँ ये टीम पहुंची है। और एक बार यहाँ पहुंचने के बाद में सारे कागज खंगाले जा रहे हैं, आय व्यय का लेखा जोखा देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई अभी लंबी चलने की बात सामने आ रही है। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो ये कार्रवाई जो है लंबी चलेगी, चूंकि जिस तरह से शिकायत मिली है, जिस तरह से जो इनपुट आईटी विभाग की टीम के पास आया है कि जो आय व्यय के जो लेखा जोखा है उसमें बड़ी गड़बड़ी करके जो है अघोषित आय को जो छुपाया गया है, जो काले धन को छुपाया गया है, उसकी जो तलाश जो यहाँ पे की जा रही है। और अब देखने वाली बात है कि जब कार्रवाई पूरी होती है तो किस तरह का आंकड़ा सामने आता है, किस तरह की अव्यवस्था है और किस तरह की जो अनियमितताएं सामने आती है उसको लेकर जो है लगातार इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी यहाँ पर जुटे हुए लगातार कार्रवाई को जो है अंजाम दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यही वो मकान है जहाँ पर जो ये मुफतलाल राव और जो उसके करीबी रहते हैं और लगातार जो टीम है यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और पूरे दस्तावेज खंगालने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह की अनियमितताएं जो है कंपनी के द्वारा की गई और किस तरह से जो इनकम टैक्स की चोरी यदि की गई है तो वो कितना बड़ा आंकड़ा जो है सामने आ सकता है। जी प्रियंका, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में अनियमितताओं का खुलासा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर रहते हैं